दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ती दिख रही थी, लेकिन केरल से कोरोना का ऐसा कोहराम निकला है जिसने अब पूरे भारत को ही आफत में ला खड़ा किया है। महज एक दिन में फिर से 40,000 से ज्यादा केस मिले हैं। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा रोजाना मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस में ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,658 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई 3,45,000 हो गई है। इतना ही नहीं, नए केसों में बढ़ोतरी से एक्टिव केसों का प्रतिशत भी अब 1.06% हो गया है, जो इसी सप्ताह की शुरुआत में 1% से भी कम हो गया था। यही नहीं, इसके चलते रिकवरी रेट में भी कमी आई है और यह अब 97.60% हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसों में इजाफे की एक वजह यह भी है कि नए मामलों की तुलना में रिकवर होने वाले लोगों की संख्या घट रही है। एक तरफ दो दिनों से लगातार 40,000 के पार केस मिल रहे हैं, तो वहीं रिकवर होने वाले लोगों की संख्या कम है। बीते एक दिन में 33,000 लोग कोरोना को मात देकर आए हैं, यानी कि कल 11,174 एक्टिव केस बढ़ गए। इससे पहले गुरुवार को एक दिन में 46,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे और अब एक बार फिर से 44,000 केस मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। देश के तमाम राज्यों में स्कूलों, जिम और मॉल जैसे संस्थानों के खुलने पर अब केसों में इजाफे ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में सख्ती का दौर एक बार फिर से लौट सकता है। उत्तर भारत को राहत, केरल में तगड़ी आफत। दोस्तों, फिलहाल उत्तर भारत के लिए राहत की बात है, लेकिन केरल में लगातार आफत के बादल मंडरा रहे हैं। अकेले केरल से ही कुल कोरोना केसों के 70% मामले सामने आ रहे हैं। केरल में लगातार दो दिनों से 30,000 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं और उसके चलते ही देश भर में केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अब भी पहले के मुकाबले काफी राहत है। इन राज्यों में नए केस सैकड़ों में ही हैं, जबकि केरल और महाराष्ट्र में आंकड़ा हजारों में है। हालांकि केरल का असर जल्द ही दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। केरल में पॉजिटिविटी रेट 19% से भी ज्यादा आ रही है। इसका मतलब यह है कि केरल में जितने सैंपल की जांच की गई है, उसमें से 19% सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि देश में ओवरऑल यह दर 2.58% रिपोर्ट हुई है। दो दिनों में इसमें भी इजाफा हो रहा है। वहीं कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या घट गई है और मौतों की संख्या देश में बढ़ी है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर तीसरी वेव आती है तो उसका ज्यादा गंभीर असर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन लगातार हो रही है और बड़ी संख्या में लोग संक्रमण की चपेट में भी आ गए हैं। ऐसे में दोनों ही स्थिति में एंटीबॉडीज हैं। बात अगर केरल की करें तो केवल यही राज्य है जहां केस बढ़ रहे हैं। ये लोग दूसरी लहर में ज्यादा संक्रमित नहीं हुए थे। टीकाकरण में तेजी से बढ़ी देश को उम्मीद। कोरोना के नए केसों में तेजी से इजाफे के बीच राहत की बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 61,22,00,000 वैक्सीन की डोज देश भर में दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 68,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो फिर वह पहले जैसी घातक नहीं होगी। वहीं कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दो डोज के बीच अंतराल को कम करने पर विचार किया जा रहा है और इस पर टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI चर्चा करेगा। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि कैडिला के टीके जाइकोव डी की आपूर्ति अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। सरकार कंपनी से टीके की खरीद को लेकर बातचीत कर रही है। यदि अक्टूबर के पहले सप्ताह में टीके की आपूर्ति शुरू होती है
तो अक्टूबर के आखिर तक इसे टीकाकरण कार्यक्रम में इस्तेमाल करना संभव हो पाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीके की आपूर्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में कंपनी इसकी आपूर्ति शुरू कर सकती है।